नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध, जैसा कि हम सभी ने सुना है कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो दो महाशक्तियां रह गई या फिर विश्व दो गुटों में बट गया और इन दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका, इन दो महाशक्तियों के आपसी संघर्ष का इतिहास है या फिर हम यह कहें कि इन दो महाशक्तियों की आपसी संघर्ष की कहानी है शीत युद्ध। इन दोनों के संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया उस समय, जिसे शीत युद्ध कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका और सोवियत संघ में वैचारिक मतभेद अवश्य थे, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध तक उन दोनों में मित्रतापूर्ण संबंध थे। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका के संबंध, जो युद्धकालीन जो मित्रता थी, युद्धकालीन जो विश्वास था, वह कटुता, तनाव, वैमनस्य और शत्रुता में बदल गया। दोनों महाशक्तियों में एक प्रकार के राजनीतिक प्रचार की या फिर एक ऐसी अंतहीन होड़ शुरू हुई जिसमें कि दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करती और एक दूसरे का विरोध करना, आलोचना और अपना प्रचार प्रसार करना और अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में थी। तो इस प्रकार शीत युद्ध एक प्रकार से हम कहें कि पुराने शक्ति संतुलन का एक नया रूप था, जिसमें दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के नाम पर या शक्ति संतुलन के नाम पर विश्व में एक शीत युद्ध के माहौल को जन्म दिया। इन दोनों महाशक्तियों के तनावपूर्ण और कटुतापूर्ण संबंधों ने विश्व को दो विरोधी गुटों में या खेमों में बांट दिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय विश्व में दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करने लगे। इन दोनों ही गुटों में एक कूटनीतिक, सामाजिक, एक सांस्कृतिक और राजनीतिक और सैनिक मोर्चे पर एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसने सारे विश्व में एक प्रकार के भय, अविश्वास, तनाव और एक प्रकार की शत्रुता के वातावरण को जन्म दिया। तो एक ऐसा युग था यह, जिसमें कि सशस्त्र शांति का युग हम कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर परमाणु हथियारों से संपन्न इन दो महाशक्तियों का जो संघर्ष शुरू हुआ, उसे विश्व राजनीति इन महाशक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बनकर रह गई। तो हम देखें कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध के पीछे क्या कारण रहे और शीत युद्ध ने कैसे विश्व राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। तो इन दोनों महाशक्तियों में जो शीत युद्ध हुआ, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता है या विकास क्रम है, जिसमें कि हम यह कह सकते हैं कि यह शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी विचारधाराएं थी, एक उदारवादी लोकतंत्र, दूसरी सर्वाधिकारवादी साम्यवाद की विचारधारा, और इन दोनों में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष था उसने विश्व में एक शीत युद्ध के वातावरण को जन्म दिया। दोनों वैचारिक जो प्रणालियों में जो संघर्ष है उसमें एक प्रकार से विद्वान उसको शक्ति संतुलन की राजनीति का नवीनीकरण कहते हैं, जिसमें कि यह कहा गया कि दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के जो विभिन्न जो छोटे छोटे राज्य थे, या फिर हम यह कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एशिया और अफ्रीका के जो राज्य स्वतंत्र हुए, उनको अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का एक संघर्ष था इन दोनों महाशक्तियों में। और इस प्रकार शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम बर्नार्ड बारुच ने किया अप्रैल 1947 को। तो उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना या एक महत्वपूर्ण विचारधारा बन गया, जो कि दो महाशक्तियों के संघर्ष की कहानी कहता है। तो शीत युद्ध क्या है, किस प्रकार विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, उसको हम बच्चों थोड़ा सा पढ़ेंगे। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक अभिव्यक्ति है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई और जो विश्व राजनीति की एक वास्तविकता या सच्चाई बन गई। दोनों महाशक्तियों के बीच के जो शत्रुतापूर्ण संबंध को
शीत युद्ध के नाम से संबोधित किया गया, जिसको गर्म युद्ध कहा जा जो जो गर्म युद्ध में परिवर्तित हुए बिना ही शीत युद्ध में शीत युद्ध के वातावरण में चलते रहे, जिसमें कि दोनों में वैचारिक घृणा, अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, घृणित प्रचार, विरोधी प्रचार, सैनिक प्रतिस्पर्धा, हथियारों की होड़, विभिन्न प्रकार की जासूसी, विभिन्न प्रकार का एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध दोनों देशों में देखा गया। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी या युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने का एक आधार था, जिसमें कि प्रत्येक विषय पर दोनों महाशक्तियाँ विश्व की घटना को विश्व शांति की नज़र से न देखकर अपने संकीर्ण स्वार्थों की दृष्टि से देखती थी। और इस प्रकार शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंध ऐसे थे कि जिसमें दोनों देशों में राजनयिक संबंध होने के बाद भी दोनों में शत्रुता थी, दोनों में मनोमालिन्य था, तनाव था, कटुता थी, और दोनों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष शस्त्र युद्ध होने की बजाय दोनों में निरंतर एक मतभेद का माहौल बना रहा। और एक ऐसा युद्ध था जो कि मस्तिष्क से लड़ा गया, जो विचारों से लड़ा गया, जो मनों से लड़ा गया। इसमें हथियार का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यह प्रत्यक्ष युद्ध से भी ज़्यादा घातक था। यह सक्रिय युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें विभिन्न तरह से दोनों विरोधी राज्यों के बीच में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो संबंध थे वो तनावपूर्ण और कटुतापूर्ण स्थिति में रहे। शीत युद्ध अगर हम देखें तो उसमें युद्ध के विभिन्न दुष्परिणाम नहीं थे, हालांकि, लेकिन युद्ध के द्वारा जो समस्त एक युद्ध के उद्देश्यों का जो एक जाल फैलाया गया था उसमें विभिन्न नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि इसमें ये एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कि कागज़ की गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, समाचार पत्र और प्रचार प्रसार के साधनों से लड़ा गया था, जिसमें दोनों राज्य एक दूसरे के देशों की जनता में विरोधी विचारों का प्रचार करते और उनमें उनका मनोबल क्षीण करने के प्रयास किया जाता और अपनी श्रेष्ठ शक्ति को प्रतिपादित करने का दोनों देशों द्वारा प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार हम देखें कि शीत युद्ध एक ऐसा प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति के खिलाफ घृणित प्रचार करती थी। एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जिसमें शत्रु को अकेला करना और नए नए मित्र राज्यों की खोज करना की चतुराई का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार शीत युद्ध हम देखें कि जैसे पंडित नेहरू ने कहा कि शीत युद्ध पुराने शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है, या दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकाय महाशक्तियों का आपसी संघर्ष है। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शीत युद्ध की परिभाषाएँ दी है, जिसमें डलेस ने कहा है कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, और अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, शक्ति गलतियों के विरुद्ध और धर्म प्राण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध एक संघर्ष था। तो शीत युद्ध का जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो परिभाषाएं दी हैं उसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि शीत युद्ध एक वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध के वातावरण जैसा था, जैसा कि पंडित नेहरू ने भी कहा था कि हम निलंबित प्रतिदंड के वातावरण में जी रहे हैं, यानी कि हर समय तनाव का वातावरण होना। यह वास्तविक युद्ध से भी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि यह भावनाओं, विचारों और मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिससे अंततः विश्व में एक तनाव का, अशांति का वातावरण जन्म लेता। तो इस प्रकार हम देखें कि शीत युद्ध के जो प्रमुख लक्षण है, या हम उसको और अच्छे से समझ सकें तो उसके लिए उसके प्रमुख लक्षण यह है कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं, बल्कि दो महाशक्तियों, केवल दो सिद्धांतों या दो विचारधाराओं का ही संघर्ष नहीं था, बल्कि दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का भी संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार प्रसार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। शीत युद्ध में महाशक्तियों ने व्यापक प्रचार प्रसार, सैनिक अस्त्र शस्त्रों की ओर का, सैनिक और प्रादेशिक संधियों का इस्तेमाल किया अपनी अपनी स्थितियों को सुदृढ़ रखने के लिए। तो इस प्रकार हम शीत युद्ध का स्तर जो देखें तो उसमें कि यह दोनों महाशक्तियों में एक तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति थी। यह गर्म युद्ध से या वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। यह मस्तिष्क और विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध था।
यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें कि विरोधी पक्ष को हर समय नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता था। तो इस प्रकार शीत युद्ध का हमने अर्थ पढ़ा।